हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा सिटी। हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री को, जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड था। हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पूरी घटनाएं जो थी शुरू 1885 से लेकर स्वतंत्रता तक की, वो हम आपको बता चुके हैं। वो सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है मॉडर्न हिस्ट्री की। अगर आपको पूरा शुरू से हर एक घटना को अच्छे से जानना है तो आप उसको जाकर के देखिए। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियाँ। देखिए, हम आपको पूरा हिस्ट्री एकदम स्टोरी की तरह सीरीज में बता चुके हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे आपको डेट वाइज, क्योंकि एग्जाम में डेट वाइज पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, विभाजन कब हुआ था, ये सब डेट वाइज पूछता है, तो इस डेट को हम सीरियल में लगा करके आज आपको लेकर के आए हैं। ये हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। आज की वीडियो में बस हम आपको तिथि बताएंगे कि ये घटना किस सन में होती है, और ये हम क्रम वाइज बताएंगे। जब हम इसको क्रम से बताएंगे तो ये आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जो उसमें पहला आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। हमने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनके द्वारा की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885। और हाँ, हम इस वीडियो में आपको इलैबोरेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले इस सब की चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसलिए आपको अगर डिटेल जानना हो तो आप उन वीडियोज़ को देखिए। इसमें हम सिर्फ तिथि लेकर के आए हैं, तो हम आपको छोटा छोटा इसके बारे में बता करके आगे बढ़ेंगे। तो पहली सबसे घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो 1885 में होती है। दूसरा होता है बंगाल का विभाजन 1905 में, किसके द्वारा होता है? लॉर्ड कर्जन द्वारा। तीसरा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में होती है। फिर चौथी घटना आती है सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस में फूट पड़ती है गर्म पंथी और नरम पंथी के बीच में, ये 1907 की घटना है। फिर आता है मार्ले मिंटू सुधार, जो 1909 ब्रिटिश साम्राज्य में, साम्राज्य का दिल्ली दरबार 1911 में लगाया गया। देखिए, ये एकदम सीक्वेंस वाइज चल रहा है। 1885 में राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, 1905 में बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, सूरत अधिवेशन, कांग्रेस में प्रथम फूट 1907 में, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार 1911 में। फिर होम रूल लीग का गठन होता है 1916 में, जिस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ये जो इस लीग का गठन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। फिर आती है चंपारण सत्याग्रह की बारी। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का चंपारण बिहार में पहला सत्याग्रह था, जो कि 1917 में हुआ था। फिर आता है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919 में लागू होता है। ये वही रोलेट एक्ट है जिसमें सिर्फ शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ होता है? अमृतसर में, 13 अप्रैल 1919। इसकी डेट आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है 3-4 डेट दे करके। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फिर खिलाफत आंदोलन होता है, जिसमें कि मुस्लिम भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। ये 1920 की घटना है। फिर असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच में गांधी जी द्वारा चलाया गया। उसके बाद चौरी चौरा कांड, जो कि 5 फरवरी 1922 को होता है, जिसमें पुलिस स्टेशन में थाने में आग लगा देती है भीड़, आक्रोशित भीड़, उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। ये 5 फरवरी 1922 की घटना है। फिर स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी का के गठन का श्रेय मोतीलाल नेहरू को जाता है। फिर आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का जो नियुक्ति होती है वो 1927 में होती है, लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आता है? साइमन कमीशन भारत 1928 में आता है। फिर भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम फेंका जाता है, भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा। ये घटना 1929 की होती है। फिर कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग होती है 1929 में। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा 1930 में चलाया गया। तीन गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम हुआ था 1930 में, द्वितीय हुआ था 1931 और तृतीय हुआ था 1932 में। 1930, 31, 32 प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन एकदम सीरियल वाइज है, 30, 31, 32। फिर दूसरे में जो हुआ था उसमें भीमराव अंबेडकर अल्पसंख्यकों को अलग से राइट दिलाना चाह रहे थे, जिसके लिए ब्रिटिशर्स ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। ये 1932 में हुआ था। फिर होता है पूना पैक्ट 1932 में। ये किसके किसके बीच में हुआ था आपको आपको अगर याद हो तो रिकॉल करने की कोशिश करिए, मैंने आपको ये बताया है। पूना पैक्ट जो होता है वो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में होता है। इसी सांप्रदायिक पंचायत को लेकर के ये पूना पैक्ट, पूना समझौता होता है। फिर आता है भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में होता है। क्रिप्स मिशन का आगमन होता है 1942 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये 3 मेंबर मिशन था, अलेक्जेंडर क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर क्रिप्स थे और
एक व्यक्ति और थे, इनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर आता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में। फिर कैबिनेट मिशन का आगमन होता है 1946 में। फिर माउंटबेटन योजना आती है जो कि इंडिया को इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। 3 जून 1947 में होता है ये। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 में होती है। महात्मा गांधी की हत्या नाथुराम गोडसे द्वारा 30 जनवरी 1948 में। और भारतीय गणतंत्र का गठन 25 जनवरी 1950 में। तो ये सारी घटनाएं हम आपको बताए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां हैं ये, जिसमें आपको डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ आप इसको एक बार देख करके नोट नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ये बहुत ही आपको हेल्प करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें सन पूछा जाता है, डेट पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, और हमें प्लीज़ आप कमेंट करके बताते रहें कि आपको ये सेशन की वीडियोज़ जो मैं आपको दे रही हूँ ये कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके रिव्यू के बिना मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ये कैसा चल रहा है मेरा वीडियो और कैसा लग रहा है आपको। और आपको अगर और भी कुछ चाहिए तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ हमें ये भी, इस टॉपिक पे भी हमें वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।